हेलो फ्रेंड, मैं स्टडी विद कलीम से एमडी कलीम अंसारी। आज है 13 अक्टूबर और आज हम लोग देखेंगे 11, 12 और 13 अक्टूबर के जितने भी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है जो कि एग्ज़ाम में आने की संभावना है। पूरे 21 प्रश्न है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मैं आगे बढ़ने से पहले एक बार कहूँगा कि आपने अभी तक स्टडी विद कलीम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दे ताकि मेरा वीडियो नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं और कुछ नया सीखते हैं। संघाई सहयोग SSSCO द्वारा आयोजित सरकार के प्रमुखों की 17वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो संघाई सहयोग संगठन SCO द्वारा आयोजित सरकार के प्रमुखों की 17वीं बैठक का आयोजन दुशांबे तजाकिस्तान में किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे डेमिंग पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया है? तो जो डेमिंग पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया है वो है इंडस टावर। ये रहा इंडस टावर जिसे डेमिंग पुरस्कार 2018 सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति MN पलूर का निधन हो गया, इनका संबंध निम्न में से किससे था? तो MN पलूर एक कवि थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। किसे हाल ही में IDBI बैंक के नए CEO MD नियुक्त किया गया है? तो IDBI बैंक के नए CEO व MD राकेश शर्मा को किया गया है। राकेश शर्मा जो कि IDBI बैंक के नए CEO और MD हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 2017 में सर्वाधिक सड़क दुर्घटना और मृत्यु किस राज्य में हुई है? तो सबसे ज़्यादा 2017 में सड़क दुर्घटना में मृत्यु तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ है। हाल ही खबरों में रहे विंग लॉन्ग टू का संबंध निम्न में से किससे है? तो जो विंग लॉन्ग टू का संबंध चीनी ड्रोन से है और यह पाकिस्तान ने खरीदा है 44 ड्रोन पाकिस्तान ने खरीदा है। हाल ही में किसे थाईलैंड में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्ति दी गई है? तो जो थाईलैंड भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्ति दी गई है उनका नाम है सुचित्रा दोराई, जो कि थाईलैंड में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त हुई है। ये रही सुचित्रा दोराई। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत दुनिया का 11वां सबसे धनवान देश बन जाएगा? तो बॉस्टन कंसल्ट ग्रुप के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2022 तक भारत 11वां सबसे धनवान देश बन जाएगा। 11 अक्टूबर 2018 को पैरा एशियाई खेलों में हाई जंप में शरद कुमार ने कौन सा पदक प्राप्त किया है? तो 11 अक्टूबर 2018 को पैरा एशियाई खेलों में हाई जंप में शरद कुमार ने स्वर्ण पदक हासिल किया है। स्वर्ण पदक, इनके बारे में कुछ पॉइंट है जो आपको याद रखना है। 11 अक्टूबर 2018 को पैरा एशियाई खेलों में हाई जंप में शरद कुमार ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। पैरा एशियाई खेलों में ऐसा पहली बार हुआ है जब हाई जंप की कैटेगरी में किसी एक देश के 3 खिलाड़ियों ने स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक प्राप्त किया है। वरुण भारती को रजत और थंगवेलु मरियप्पन को कांस्य पदक जीते हैं और शरद कुमार ने 1.90 मीटर की ऊंचाई तय कर वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। इससे पूर्व 2016 में थंगवेलु मरियप्पन ने 1.68 मीटर की ऊंचाई के साथ स्वर्ण पदक जीता था।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने विश्व की पहली बायो इलेक्ट्रिक मेडिसिन विकसित की है? तो बायो इलेक्ट्रिक मेडिसिन विकसित करने वाला देश अमेरिका है। क्या ऐसा सिस्टम है जो कि अंदर में बायो इलेक्ट्रिक मेडिसिन के द्वारा इलाज किया जाएगा? इसके बारे में कुछ पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। अमेरिका के वैज्ञानिकों ने विश्व की पहली बायो इलेक्ट्रिक मेडिसिन विकसित की है। बायो इलेक्ट्रिक दवा विकसित करने का दावा नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी तथा वाशिंगटन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन ने किया है। बायो इलेक्ट्रिक दवा एक वायरस डिवाइस है जिसे शरीर के बाहर से ट्रांसमीटर द्वारा नियंत्रित किया जाता है, और इसका सबसे पहले प्रयोग चूहे पर किया गया। इसका परिणाम सकारात्मक आए। इस प्रकार की दवा से सीधे उपचार वाली जगह पर इस्तेमाल किया जा सकता है और इस दवा का कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, क्योंकि इस दवा का कोई भी साइड इफ़ेक्ट न के बराबर है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय पर्यावरण सर्वेक्षण जनवरी 2019 से देश के कितने जिलों में शुरू किया जाएगा? तो जो भारत का पहला राष्ट्रीय पर्यावरण सर्वेक्षण जनवरी 2019 से देश के 55 जिलों में शुरू किया जाएगा। अब बचा लीजिए प्रकृति, मैंने एक लोगो लगाया, अब बचा लीजिए प्रकृति वरना बिगड़ती ही जाएगी सागर की कृति। इसके बारे में कुछ पॉइंट है, भारत का पहला राष्ट्रीय पर्यावरण सर्वेक्षण जनवरी 2019 से देश के 24 राज्यों एवं 3 केंद्र शासित प्रदेशों के 55 जिलों में शुरू किया जाएगा, और इस रिपोर्ट के पहले आंकड़े 2020 तक जारी किए जाएंगे। इस सर्वेक्षण में विभिन्न स्थानों से संबंधित वायु, जल, वन्य जीव, वनस्पति, मिट्टी एवं विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों के बारे में जानकारियां जुटाई जाएगी, और इसका लाभ होगा। इस प्रकार के सर्वेक्षण से सरकार का विभिन्न योजनाओं को बनाने में सहायता मिलेगी। हाल ही में प्रोजीडी अग्रवाल का निधन हो गया, वे प्रसिद्ध थे। ये रहे प्रोजीडी अग्रवाल जी, तो ये एक पर्यावरणविद थे। इनके बारे में कुछ जान लेते हैं जो कि आपको याद रखने हैं। गंगा एक्ट की मांग को लेकर 111 दिन के अनशन के बाद 86 वर्ष की आयु में 11 अक्टूबर 2018 को इनका निधन हो गया। प्रोजीडी अग्रवाल ने कांग्रेस के समय 2010 में भी अनशन किया था, जिसके कारण सरकार को गंगा की सहयोगी नदी भागीरथी पर बन रहे लोहारी नागपाला, भैरव घाटी और पाला मनेरी बांधों के प्रोजेक्ट रोकने पड़े थे, और मोदी सरकार में फिर से शुरू हुए इन प्रोजेक्ट को रोकने के लिए वे 22 जून से अनशन पर थे। वे IIT कानपुर से सेवानिवृत्त थे। 10 अक्टूबर 2018 को रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण किस देश की 3 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुई है? तो 10 अक्टूबर 2018 को रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण 3 दिवसीय यात्रा पर फ्रांस के लिए रवाना हुई है। इनके बारे में जान लेते हैं, वे यहां फ्रांस के रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली से मुलाकात करेंगी, और इसके अलावा वे यहाँ के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो के साथ मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री दसॉल्ट कंपनी द्वारा बनाए जा रहे 36 राफेल लड़ाकू विमान के निर्माण कार्यों का जायजा लेंगे। फ्रांस की राजधानी है पेरिस और फ्रांस की मुद्रा है यूरो CFC फ्रैंक। किस अफ्रीकी देश ने चीन के साथ $40 करोड़ की लागत वाले मम्मा एयरपोर्ट बनाने का सौदा रद्द कर दिया है? ये मम्मा एयरपोर्ट है, तो सियरा लियोन ने इस सौदा को रद्द कर दिया है। HSBC की सालाना एक्सपेक्ट एक्सप्लोरर रिपोर्ट के अनुसार रहने और काम करने के लिए दुनिया का सबसे अच्छा देश कौन सा है, और वह पिछले 4 साल से इस सूची में शीर्ष पर है? तो वह है सिंगापुर, जो कि रहने काम करने के लिए दुनिया का सबसे अच्छा देश है।
एसिड अटैक पीड़िताओं के लिए चलाए जा रहे किस कैफ़े को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 9 महीने का वक्त दिया है? तो एसिड अटैक पीड़िताओं के लिए चलाए जा रहे सुप्रीम कोर्ट ने 9 महीने का वक्त जिसको दिया है वह है सिरोज हैंगआउट, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने 9 महीने का वक्त दिया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दक्षिण भारतीय राज्यों में आए चक्रवाती तूफान का क्या नाम है? तो जो हाल ही में दक्षिण भारत राज्यों में आए चक्रवाती तूफान का नाम तितली है, ये रहा उसका कहर। इसके बारे में कुछ पॉइंट जान लेते हैं। चक्रवाती तूफान तितली आंध्र प्रदेश और उससे लगे उड़ीसा के दक्षिणी भाग एवं पश्चिम बंगाल में आया था। इस तूफान के कारण इन राज्यों में भारी तबाही मची एवं कहीं कहीं 26 सेंटीमीटर तक बारिश दर्ज की गई। इस तूफान की रफ्तार 160 किलोमीटर से अधिक तक दर्ज की गई थी और इसका नाम पाकिस्तान ने दिया है। नाम रखने का फ़ायदा यह होता है कि आम लोग एवं वैज्ञानिकों को इससे समझने में आसानी हो। भारत में तूफानों का नाम 2004 से दिया जा रहा है। भारत के अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, म्यांमार, ओमान और थाईलैंड ने भी एक साथ तूफानों का नाम रखने का फैसला किया है। इन 8 देशों ने वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में इन तूफानों के नाम की लिस्ट जमा की है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन 1950 में बना था और उसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। निम्नलिखित में से तितली क्या है? क्वेश्चन बन सकता है, निम्नलिखित में से तितली क्या है? तो तितली एक चक्रवातीय तूफान है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर 2012 विश्वभर में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया गया। ज्ञातव्य है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 19 दिसंबर 2011 को अपने प्रस्ताव संख्या 66/170 के माध्यम से प्रतिवर्ष 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया था। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का विषय बाल विवाह की समाप्ति, इंग्लिश में एंडिंग ऑफ चाइल्ड मैरिज था। उल्लेखनीय है कि अक्टूबर माह के दूसरे बृहस्पतिवार को अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि दिवस के रूप में मनाया जाता है तथा यह भी इस बार 11 अक्टूबर को ही था। 11 अक्टूबर 2018 को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। पहली बार ये 11 अक्टूबर 2012 को मनाया था। उद्देश्य कन्याओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देना हेतु, और विषय 2018 का विषय जो है उसके साथ एक कुशल बालिका का बल, विथ हर अ स्किल्ड गर्ल फोर्स। अगला क्वेश्चन है, भारत के तीसरे मुख्य सांख्यिकीविद के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जो भारत के तीसरे मुख्य सांख्यिकीविद के रूप में नियुक्त किए गए हैं वह है प्रवीण श्रीवास्तव, जिनको भारत के तीसरे मुख्य सांख्यिकीविद के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसे भारत का नया सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में भारत के नए सॉलिसिटर तुषार मेहता को नियुक्त किया गया है। भारत के नए सॉलिसिटर जनरल महान्यायाधिकर्ता तुषार मेहता को नियुक्त किया गया है। इनका कार्यकाल 30 जून 2020 तक होगा। महान्यायाधिकर्ता महान्यायवादी के बाद भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है। दोस्तों, आज का करंट अफेयर्स समाप्त होता है। फिर कल के करंट अफेयर्स में मिलते हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको मेरा वीडियो ख़राब लगता है तो आप लाइक डिसलाइक कुछ भी कर सकते हैं। तो आपने अभी तक मेरा चैनल या स्टडी विद कलीम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें। तो चलिए फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय।